बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉन्ग हैव क्रॉस्ड 1 मिलियन. कैसा फील होता है जब एक इतना मेहनत करते हैं और 1 मिलियन इतना व्यूज आते हैं, इतना प्यार मिलता है, कैसा फील होता है पहले ये जानना चाहिए. देखिए ये गाना हमने ये सोच के नहीं बनाया कि क्या मार्केट में चलता है, क्या कैसा बनाना चाहिए जो वायरल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था. एक अच्छा गाना बनाना था और ऐसा कंपोज़र मुझे एक ऐसा गाना बनाना था जिसमें आर्या की जो फ्रेश आवाज़ है वो आवाज़ लोगों तक पहुँचे. मशीन्ड आवाज़ नहीं, ऐसी आवाज़ नहीं जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बज रहे हैं और आवाज़ बैकग्राउंड में, वैसा नहीं. आवाज़ ऐसी जो आवाज़ सामने आए, कानों तक आए, और नेचुरल ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये गाना बना. लाइव सिम्फनी रिकॉर्ड किया इसके लिए. तो द सॉन्ग हैज़ अ वेरी ऑर्गेनिक नेचुरल सोलफुल फील टू इट. इट्स अ प्योरली मेलोडिक सॉन्ग. सो आई एम हैप्पी दैट वी डिड नॉट फॉलो कि ये गाना चल रहा है इसलिए इस तरह कुछ बना के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसके बावजूद लोगों ने एक सोलफुल गाने को इस तरह से उन्होंने लिया है कि वो within a week it crossed 1 million. So it shows that somewhere deep down people are starved for a good melody. Firstly, it was my privilege that I got such a song, because generally इस तरह का गाना लोगों को अपने करियर में बहुत बाद में मिलता है, एंड बहुत मच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड वॉइसेस को ऐसे गाने मिलते हैं. तो मुझे मेरा ये मेरे करियर का सेकेंड गाना है, तो मुझे ये गाना मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. एंड हम जब सोच रहे थे कि ये गाना हमें करना चाहिए या नहीं, तभी मुझे पूछा गया था कि तुम सच में ये गाना अटेम्प्ट करना चाहती हो कि नहीं. तो 3 बार 4 बार पूछा गया, रिकॉर्ड होने के बाद भी पूछा जा रहा है कि सच में तुम्हें ये कन्विंसिंग लग रहा है. मैंने बोला हाँ, क्योंकि समवेयर इट वॉज़ अ चैलेंज, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जितना भी मेरा ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस जितना भी कम हो, जो भी है, बट आप जितना चैलेंजिंग काम करोगे उतना आप ग्रो करोगे लाइफ में. सो माई व्यू टू सिलेक्ट दिस सॉन्ग वॉज प्योरली दैट. हमने जब ये गाना किया, फिर मतलब रिकॉर्ड हुआ इतने अच्छे से, फिर हमने सोचा कि इस गाने को एक अच्छा लुक मिलना चाहिए, अच्छा लैंडस्केप चाहिए. और क्योंकि गाने में लाइव सिम्फनी है, तो अगर आप गाना सुनेंगे तो आपके जहन में कुछ विजुअल्स आते हैं, बहुत ग्रैंड विजुअल्स सामने आते हैं. तो ये गाना वैसा गाना नहीं था जिसको सुन के आपको लगे कि एक घर में या एक कमरे में इसको शूट कर सके. तो ये एक गाने की एक कुदरती एक फील होती है कि वो गाना क्या चाहता है. तो गाना ये गाना सुन के कोई भी बोल सकता है कि इसको एक बहुत लैविश और ग्रैंड शूट होना इसका लाजमी है. और बचपन से ही मुझे पहाड़ों से, हिमालय से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है. तो मैं चाह रहा था कि इस गाने को ऐसे किसी रिमोट लोकेशन में जाके शूट करें जहाँ पे आमतौर पे गाने ना बने, और दूर दूर तक वीराना हो, पहाड़ हो, बहुत खूबसूरत झील हो. तो उसके लिए जो लोकेशन सबसे पहले जहन में आया, दैट वाज लद्दाख. बट शूटिंग दैट देयर वाज अ मेजर चैलेंज, क्योंकि टेम्परेचर्स वर -11, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड, एंड द क्लोथ्स वर नॉट फ्रेंडली. और ज़्यादातर जगहों पे ऐसा था कि ऐसे जहाँ हमने शूट किया, एक जगह पे नहीं किया, कई जगहों पे शूट किया, और दीज प्लेसेस वर एटलीस्ट 300 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो गाड़ी से जाके सूरज ढलने से पहले शूट करना, और इतने मुश्किल हालातों में, दे वॉजंट इवन टॉयलेट्स देयर, मतलब होटल तो दूर की बात है. तो हम चाह रहे थे कि ये लोगों के सामने ऐसे विजुअल्स आए जिन्होंने पहले कभी देखा ना हो. या एंड मोर ओवर अ सॉन्ग लाइक माई दिस सॉन्ग स्पेशली व्हेन दिस क्रॉस्ड अ मिलियन व्यूज, आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरह का गाना भी. हम सोचते हैं कि जनरली ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हो तो लोग सुनेंगे नहीं, बट ऐसी बात नहीं है. हर चीज़ का अपना ऑडियंस होता है, एंड अच्छा म्यूज़िक हमेशा अप्रिशिएट होता है. सो आई थिंक दैट इज़ प्रूवन. एक्चुअली मेरा बहुत दिनों से मन था कि जो हमारे देश के जवान हैं, जो सोल्जर्स अपने परिवारों को छोड़ के दूर दराज एरियाज में रहते हैं, जिनके कारण से हम सेफली अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, उनके लिए कुछ करने का मन था. अब मैंने बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक किया, अलग अलग सिचुएशंस आए हैं, लेकिन कभी अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किसी सोल्जर के लिए कोई गाना बनाऊँ. तो तुम चलना इज़ अ लव सॉन्ग, नो डाउट, बट इट्स अ स्पेसिफिक लव सॉन्ग. इट्स अ लव सॉन्ग अबाउट अ जर्नी. इट इज़ अ जर्नी ऑफ दिस पर्सन, जहाँ बहुत सारी मुश्किलात
और व्यवधान का सामना करते हुए वो फाइनली अपने बिलवेड तक पहुंचती है. सो इफ़ यू सी द वीडियो यू कैन सी दैट यू नो दिस मैन इज़ पोस्टेड इन अ वेरी रिमोट एरिया मे बी समवेयर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस वुमन इज़ कम लुकिंग फॉर हिम. तो एक तरह से एक ट्रिब्यूट है हमारे जवान के लिए. सो दैट्स वाई द नेम केम तुम चलना कि तुम साथ चलना. मैंने सिर्फ गाया नहीं है म्यूजिक कंपोज किया जी. इन दिनों मतलब जिस तरह के गाने बन रहे जी बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ करना चाहते मगर फिल्मों में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है आप जो चाहे वो बहुत बार नहीं हो पाता. तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो अपने दिल की बात होती है जो करना चाह रहे हैं जी वो एक लिबर्टी होती है. एक चीज़ जो हुआ है पिछले कुछ सालों में जो एक परिवर्तन आया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि पहले हमारे पास एज अ कंपोज़र अलग अलग सिचुएशंस हुआ करते थे गाना करने के लिए. ठुमरी हो दादरा हो क्लासिकल हो फोक हो प्योर वेस्टर्न हो कैबरे हो देर वर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस. इंक्रीजिंगली इन द लास्ट 5 years ये जो सिचुएशंस है ये बहुत घटती जा रही है. मतलब आप देखोगे ज़्यादातर फिल्मों में गाना आए तो वही लड़की दारू पार्टी एक ही सीक्वेंस का गाना आता है. किसी और सीक्वेंस का गाना शायद बनना ही बंद हो गया है. तो एक तरह से ये एक झेप है एज अ कंपोज़र की जो सामान मेरे अंदर है जो कॉम्पोजिशंस मेरे अंदर है वो शायद इस ज़िंदगी में सिर्फ फिल्मों से पूरा ना हो पाए. सो इसी कारण से मैं इस रास्ते पे चला. अब 3-4 साल हो गए हैं कि हर महीने एक बड़ा गाना मैं करता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ फिल्म ताकि मैं सिर्फ फिल्मों तक मोहताज ना रहूँ एज अ कंपोज़र. तो इन गानों में मेरे साथ लकीली बहुत से बड़े आर्टिस्ट जुड़े हैं. तो कम से कम 10-15 गाने मेरे श्रेया के साथ हैं श्रेया घोषाल गुलजार साहब के साथ बहुत सारे गाने हैं सोनू निगम हैं हरिहरन साहब है देर इज कैलाश खेर देर इज शान देर इज कविता कृष्णमूर्ति. सो ऑल ऑफ देम हैव कोलैबोरेटेड विथ मी ऑन सिंगल्स और ये मेरा नसीब है मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स ऑल्सो. और इसी अम्ब्रेला में कुछ कुछ जो नया आर्टिस्ट है जो नई आवाज़ जो कानों तक पहुँचती है जिस आवाज़ में एक नई बात हो एक फ्रेशनेस हो तो उनको भी आगे ले जाने का एक प्रयास है एंड दैट्स व्हाई आर्या इज़ हियर. ओके आर्या मेरा सवाल आपसे होने वाला है कि सिंगिंग तो आपने अच्छी की है हमने देख लिया फीचर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा गाने में फीचर करना और कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आपको सिंगिंग या गाने में फीचर? नहीं ऐसा मुझे दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं मुझे दोनों में मज़ा आया है बिकॉज सिंगिंग मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रही है तो मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि हाँ मुझे जाके गाना है तो वो एक प्रिपरेशन होता है. बट फीचर करने के लिए वो एक्सपीरियंस मुझ में अभी तक है नहीं था नहीं अब हो गया है. सो बट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक आई वुड लव फीचरिंग इन माई ओन सॉन्ग्स. सो एंड आई थिंक इट्स लेकिन बहुत इसको इनको तकलीफ दी गई है क्योंकि जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स थे और जिस लोकेशन में हमने शूट किया आइडियली यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कवर होना चाहिए क्योंकि इतनी हवा चल रही थी तेज़ और बर्फीली हवाएं और -11 degrees टेम्परेचर आप सोच सकते हैं कि आदमी सिकुड़ जाए. तो ऐसे माहौल में ऐसी हवाओं में इस तरह के ग्लैमरस क्लोथ्स में शूट करना इसके लिए एक चैलेंज था क्योंकि एक शॉट हम लेते थे उसके बाद इनको फिर ओढ़ना पड़ता था. मेरा कोल्ड टॉलरेंस बहुत खराब है. कई बार ऐसा हुआ कि ये रोना शुरू हो गई. तो मुझे लगता है कि किसी प्रोफेशनल मॉडल से वो करवाना बहुत भारी पड़ता शायद मुश्किल होता क्योंकि इनका अपना गाना था एक लगाव था तो इसलिए अंडर सच डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस वी कुड शूट. ऐसा कुछ चीज़ हो जो आपने शेयर किया हो क्योंकि आपने इतने सारे गानों में काम किया है आर्या का दूसरा ही गाना है तो आपने ऐसा कुछ शेयर किया जिससे कि वो और कॉन्फिडेंट हो जाए गाने में फीचर होने के लिए? देखिए मैं शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाना आपका है और अगर आप बहुत खजेले नहीं है देखने में तो आप ही को फीचर करना चाहिए क्योंकि किसी और मॉडल को बॉम्बे से ले जाके लोकेशन में ले जाके किसी और के गाने पे लिपसिंग कराना वो अब बिल्कुल नहीं चलता. आप दुनिया भर में देखेंगे जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स भी हैं जो सिंगिंग स्टार्स हैं सब अपने वीडियो में खुद ही फीचर करते हैं. मतलब वो मॉडल को लगा देना वो शायद थोड़ा डेटेड हो गया कॉन्सेप्ट. आई थिंक वी हैव अ वंडरफुल रिलेशन राइट नाउ एंड
मतलब पहला गाना जब हुआ था तब मैं बहुत डरी सी थी क्योंकि बट यू नो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी फर्स्टली बिकॉज आप डेब्यू कर रहे हो एंड आपको इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने रिनाउंड कंपोज़र का अगर बैकिंग मिले तो वो बहुत एक अच्छा स्टेप होता है अपने करियर के लिए. तो आई वॉज़ प्रिविलेज्ड ऑलरेडी. तो पहले गाने के वक्त उतना मैं मिक्सअप नहीं हो पाती थी, समाओ मैं इतना ओपन अप नहीं हो पाती थी. सेकेंड गाने तक आई वॉज़ ऑलरेडी यू नो प्रिटी फ्री एंड आई यूज़ टू शेयर माई व्यूज़ ऑन द सॉन्ग. माई मतलब मैं जब गाना अटैम्प्ट करती थी तो मुझे जो भी चीज़ें डाउटफुल लगती थी या मुझे लगता था कि कुछ इस तरह का मैं सोच रही हूँ वो करके देखती, तो आई थिंक वो लिबर्टी मैंने लेना शुरू किया थोड़ा सा. पिछले गाने में मैंने ज़रा भी नहीं लिया था. एंड तो आई थिंक या दैट वे इट्स वर्किंग वेल विद अस. सो हेलो सर, आई हैव सीन ट्रिमेंडस ग्रोथ पर्सनली इन द पास्ट ईयर बिकॉज आप घर पे गा रहे हो, आप इधर उधर थोड़ा बहुत शोज़ करते हो तो वो एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन माइक पे गाना इज़ अ वेरी डिफरेंट चैलेंज. एंड व्हेन यू फर्स्ट गो इन फ्रंट ऑफ द माइक यू रियलाइज़ कि हर चीज़ मैग्नीफाई हो जा रही है, यहाँ पे मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता. तो आई थिंक उस हिसाब से ही हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट टू मी. ही गाइडेड मी वेल कहाँ पे किस तरह का वोकल कल्चर यूज़ करना चाहिए. तुम और मैंने इनको डराया भी था ये गाना चुनने से पहले. तो मैंने जब ये गाना कंपोज किया तो मुझे लगा कि ये गाना मैं किसी श्रेया घोषाल या कविता कृष्णमूर्ति या जो बहुत एक्सपीरियंस नामचीन सिंगर है उनके लायक गाना था. बहुत मुश्किल गाना है, आसान गाना नहीं है. तो इजी साउंड करता है, सुनने में कई बार लगता है कि आसान है लेकिन जब वो नोट्स आप लगाते हो तो पता लगता है कि गाना बहुत मुश्किल है. तो मैंने इनको कई बार चेतावनी दी थी कि ये गाना शायद आपके लिए ठीक नहीं है, अभी आप थोड़ा और वक्त लीजिए, बाद में ये गाना करते. बट शी वॉज क्वाइट हेलबेंट कि नहीं ये गाना मुझे करना है. तो इसलिए इसकी जो अरेंजमेंट्स और ऑर्केस्ट्रेशंस हैं उसमें मैंने आवाज़ को एक प्रिसीडेंस दिया है. आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसे लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ओवरवेलम कर रहे हैं आवाज़ को, क्योंकि मशीनड आवाज़ें अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप सुन के आपको समझ में नहीं आता कि ये किसकी आवाज़ है. सारी आवाज़ एक जैसी लगती है क्योंकि सारी आवाज़ में इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है कि प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल आउटपुट निकलता है वो लगभग एक दूसरे का क्लोन लगता है सुनने में. तो एज अ न्यू वॉइस एक नई आवाज़ की पहचान तभी होनी चाहिए जब ऑडियंस तक वो आवाज़ नहीं लगे कि यार ये कौन सी आवाज़ है. अगर सारी आवाज़ें आप मशीन कर दें, टेम्पलेटाइज कर दें तो हो सकता है वो अच्छे लगे लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते. तो एक मैंने क्योंकि चार पीढ़ियों के सिंगर के साथ काम किया है, मेरे एक फिल्म में आशा भोसले जी ने गाया है, उसके बाद वाला जो जनरेशन था कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण साहब, हरिहरन साहब, उनके साथ मैंने काम किया है. उनका अगला जनरेशन जो है यू नो पीपल लाइक श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, शान, सोनू निगम, उनके साथ काम किया है. और ये जो आज की पीढ़ी है इनके साथ भी काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बचपन से कॉम्पोजिशन शुरू किया था. तो ये जो म्यूज़िक का बदलता हुआ रुख है उसमें एक चीज़ समझ में आती है कि आवाज़ वही लंबे रेस का घोड़ा होता है जिस आवाज़ की एक पहचान हो. सबसे बड़ी बात है पहचान, उसके बाद दूसरी बात है कि आप अच्छा गाते हो, कितना अच्छा गाते हो या बुरा गाते हो. लेकिन अगर पहचान ही ना हो तो फिर आप भीड़ में खो जाते हो और वो आवाज़ आती है जाती है, समझ में नहीं आता. आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने दो फिल्मों में गा लिया लेकिन आवाज़ ठहरती नहीं है. तो इस गाने में इतना प्रयास मेरा रहा है कि आवाज़ ऐसी रहे, ऑर्गेनिक रहे, एकदम जो आवाज़ ओरिजिनल है वही रहे, कोई प्रोसेसिंग ना हो. और उसको एक सिम्फनी से सपोर्ट किया है. तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप सुनते हैं इसमें लाइव वायलिंस हैं, कुछ बहुत नामचीन प्लेयर्स हैं जैसे जीतू ठाकुर, इन लोगों ने बजाया मेरे लिए. और क्योंकि गाना एक ग्रैंड सिम्फनी की तरह मैंने ऑर्केस्ट्रेट किया था, अरेंज किया था, तो इसलिए इसको लद्दाख में जाके इतनी मुश्किलात उठा के इसको शूट भी किया ताकि वो ग्रैंडनेस कैनवस में बरकरार रहे. क्योंकि आप देखेंगे आजकल ज़्यादातर फिल्मों के गाने में भी जो है इंडोर में शूट करके एक कमरे के अंदर शूट करके छोड़ देते हैं, या हीरो हीरोइन बातचीत कर रहे हैं, गाना बैकग्राउंड में चल रहा है. तो उससे मुझे लगता है कि गाने की जो उड़ान है, एक गाने की जो परवाज़ है वो हो नहीं पाता. जो पहले जैसे यश चोपड़ा जी शूट करते थे या जैसे विजय आनंद साहब शूट करते थे, गाने को तवज्जो दे के, गाने के कैनवस को, गाने को प्रधान बना के उसको शूट करते थे. ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में गाना आया, चार टुकड़ों में आया. तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया कि एक गाने को तीन तीन टुकड़े में बांट के थोड़ा यहाँ लगा दिया थोड़ा. तो दैट्स लाइक ट्रीटिंग अ सॉन्ग लाइक अ बैकग्राउंड स्कोर, यू नो. तो इस गाने को कायदे से शूट करने की इच्छा थी और बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए हमने किया.
और 7 दिनों में क्योंकि 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो गया है ऑर्गेनिकली, तो ये ऑडियंस को ज़रूर अच्छा लगा है।